रिकॉर्डिंग तो होगा ना इसमें? हाँ रिकॉर्डिंग अलग कर देना उसे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रोल ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे। तो इसमें ये स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एज आ गया है और द इकोनॉमिक लिबरेशन का एज आ गया है, तो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको इम्पोर्टेंट हो गया है। जिसका डिफिनेशन ये है कि स्ट्रेटजी इज ए यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द फ्यूचर दैट रिलेट्स द स्ट्रेटजिक एडवांटेज ऑफ द फर्म। स्ट्रेटजिक एडवांटेज ऑफ द फर्म को रिलेट करता है टू द चैलेंजेज ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये आपको स्ट्रेटजी है। इट इज डिजाइंड टू इंश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव द इंटरप्राइज आर अचीव थ्रू प्रॉपर एग्जीक्यूशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रेटजी
है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है वो आपको रिलेट करता है, उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, ये आपको स्ट्रेटजिक प्लान है। स्ट्रेटजी कंपनीज प्लान इज विल बैलेंस द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजी आर देयर, तीन टाइप्स ऑफ का स्ट्रेटजी होता है आपको। तो उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पहला है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है और फंक्शनल स्ट्रेटजी है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ओवरऑल ऑफ द आइडेंटिफाई द मिक्स ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड द फर्म इंगेज इन द वे दैट द बिजनेस रिलेट टू ईच अदर। इसमें सभी तरह का जो है आपको बिजनेस स्ट्रेटजी आपको डील करता है। दूसरा है बिजनेस स्ट्रेटजी विच आइडेंटिफाई हाउ मच ईच ऑफ द फर्म्स बिजनेसेस विल कम्पीट इन द मार्केट, हाउ द फर्म्स बिजनेसेस विल कम्पीट इन द मार्केट, है ना। तो ये आपका बिजनेस स्ट्रेटजी, तीन टाइप का स्ट्रेटजी है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, हियर इज द आइडेंटिफाई द मिक्स ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द फर्म विल इंगेज एंड वेज इन विच द बिजनेसेस विल रिलेट टू ईच अदर, ये आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। फंक्शनल स्ट्रेटजी हाउ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एंड अदर फंक्शन विल कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस स्ट्रेटजी, दी आर द फंक्शनल स्ट्रेटजी। इस तरह जो है मैन्युफैक्चरिंग का, मार्केटिंग का, 10-12 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग का, मार्केटिंग का और दूसरा फंक्शन बिजनेस स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करता है, ये आपको फंक्शनल स्ट्रेटजी है। तो तीन टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, फंक्शनल स्ट्रेटजी है। फंक्शनल स्ट्रेटजी में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मनोज सर आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट कब है? थर्सडे को है, मैंने अभी व्हाट्सएप तो कर दिया है, थर्सडे को 1 तारीख को, 1 तारीख को है, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। तो फंक्शनल स्ट्रेटजी में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस स्ट्रेटजी, ये सारे को इंटीग्रेट किया जाता है तो फंक्शनल स्ट्रेटजी बनता है। और फंक्शनल स्ट्रेटजी को जब जो आपको किया जाता है तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनता है। देर आर द बिजनेस स्ट्रेटजी मंथ्स द फर्म्स बिजनेस विल कम्पीट इन द मार्केट प्लेस, हाउ द फर्म्स बिजनेस विल कम्पीट इन द मार्केट प्लेस, दिस इज द बिजनेस स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सारे मिक्स ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी को लेते हैं तो आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनता है। ये तीन लेवल ऑफ द स्ट्रेटजी है आपको। तो ये आपको बिजनेस स्ट्रेटजी है। ये 10 इंडिया के बड़े कंपनी का नाम दिया गया है और स्टाफ कॉस्ट जो है रुपीज करोड़ में उसका सैलरी आपको दिया गया है ना। तो सेल का दिया हुआ है, SBI का दिया हुआ है, इंफोसिस का दिया हुआ है, बेल का दिया हुआ है, PNB का दिया हुआ है, MTNL का दिया हुआ है, टाटा स्टील का दिया हुआ है, सत्यम का दिया हुआ है, कैनरा बैंक का दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया हुआ है। कि स्टाफ कॉस्ट कितना ज़्यादा आपको लगता है तो ये आपको दिया हुआ है। कि कोई किसी भी कंपनी का ग्रोथ जो है उसके स्टाफ पे ही डिपेंड करता है कि स्टाफ कैसा है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में का डिफिनेशन आपको ये है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज द set of managerial decision and actions that determine the long term performance of a corporation, jo ki long term performance of a corporation ko determine karta hai wo aapko strategic management ke andar aata hai. Strategic management is a managerial decision, managerial decisions hai jisme ki long term performance of the corporation ko incorporate karta hai, ye aapko. Hello, good morning sir. Good evening. बताइए। इवनिंग नहीं सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अटेंडेंस लगा दी? अभी नहीं लगाई है, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। लगा दो। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक। मैं बता देता हूँ कौन कौन है। सनी है सर। मेरा रोल नंबर नहीं है क्या? हाँ है, तुम्हारा भी है। मुकुल 121,
विशाल 148 फैजान 111 प्रांशु 112 167 167 योगेश प्रेजेंट सर अतुल दीक्षित 106 हिमांशु 117 मुकुल 121 गौरव गुप्ता 113 सर 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 हाँ एक मिनट अनुराग 161 सर पूरक आ रहा है सर अभी प्रेजेंट है सर पूरक सर 113 हो गया सबका अटेंडेंस मैं एक बार फिर आपको बोल देता हूँ दीपक 110 दीपक 110 गौरव गुप्ता 113 विशाल 148 दीपक 110 146 सन्नी 161 अनुराग 111 फैजान 112 फरांसु 1113 गौरव 1163 कुंदन 127 पवन 133 पूरक 145 सौरभ योगेश 167 विशाल 148 106 हिमांशु 117 मुकुल 121 रजनीश 134 शुभम 142 ओके सर तो हम लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे थे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व करता है डिफाइन द कंपनीज विजन मिशन एंड पर्पस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी का विजन को ध्यान देना कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का मिशन क्या है कंपनी का पर्पस क्या है उसको सबसे पहले डिफाइन करना है डिफाइन करने के बाद आइडेंटिफाइंग द कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कंपनी का इंटरनल स्ट्रेंथ को पता कीजिए और वीकनेसेस को पता कीजिए तीसरा है एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एग्जिस्टिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो अपॉर्चुनिटी है थ्रेट्स है उसको आइडेंटिफाई कीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दूसरा इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी दैट मेच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो आपने स्ट्रेटजी बनाना है जो कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को मीट करे और इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करे एंड देन इवोल्यूशन एंड कंट्रोल टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इज फुलफिल्ड ये सारे आपको प्रोसेस के स्टेप हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो आपको कंपेरिजन दिखाया हुआ है ट्रेडिशनल एचआरएम से और स्ट्रेटजिक एचआरएम ये आपको आपको दिखाया हुआ है फोकस ये एक्टिविटी में फोकस करता है ये स्ट्रेटजिक एचआरएम रिजल्ट में फोकस करता है इसका अप्रोच रिएक्टिव है इसका अप्रोच प्रोएक्टिव है पहले से ही डिफाइंड रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एचआर स्पेशलिस्ट होते हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है इसमें मैनेजर लाइन मैनेजर और एचआर स्पेशलिस्ट दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है
डेवलपमेंट ऑफ पीपुल्स इसमें किया जाता है मेजर फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ पीपुल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लाइन विद द बिजनेस गोल्स, ये सारे किए जाते हैं इसमें। ये आपको मैनेजिंग पीपुल टू फैसिनेट द एक्टिविटी किया जाता है। इसमें फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेटजी इन अलाइनमेंट विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किया जाता है। इसमें रोल ऑफ द एचआरएम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस किया जाता है। स्टेट्स में स्ट्रेटजिक बिजनेस पार्टनर दिखाया जाता है। तो आपको ट्रेडिशनल एचआरएम और स्ट्रेटजिक एचआरएम में आपको जो जो आपका कंपेरिजन दिखाया गया है कि आपको ट्रेडिशनल एचआरएम और स्ट्रेटजिक एचआरएम में आपको क्या फर्क है वो आपको दिखाया गया है। रोल ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपके डिफरेंट रोल है। आप यहाँ पर देखिए यह सारा आपका रोल का स्ट्रेटजिक डिसीजन का वो आपको दिखाया गया है। पांच आदमी वेटिंग में था उसको भी अभी मैंने। हेलो सर। हाँ तो ये आपको सर एक्चुअली सर यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो सर मैं मतलब रिकनेक्ट कर लूं या फिर मतलब सर लीव कर दूं? नहीं रिकनेक्ट कर लो, आ जाता है। तो पांच आदमी अभी वेटिंग में था, अभी मैंने उसको इंटर किया हुआ है, रिकनेक्ट। ठीक है सर। ठीक सर, सर 143। हाँ अभी फिर से मैं सबका अटेंडेंस ले लूंगा, एक बार तो मैंने अटेंडेंस अभी ले लिया है, फिर से दोबारा ले लूंगा। तो स्ट्रेटजिक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एचआर मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक डिसीजन में है 8 न्यू टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट देयर, देन द ट्रेनिंग विल बी डन। ये आपको स्ट्रेटजिक डिसीजन है। ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन, वे एक्वायर करेगा, उसमें सिलेक्शन करेगा, ट्रेनिंग करेगा, कंपनसेशन करेगा, आउट प्लेसमेंट करेगा। ये आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एचआर मैनेजर है, वो आपको क्या करेगा, ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन। Then take on additional indebtedness to the prevent takeover. इसमें आपको compensation करेगा, out placement करेगा। Compensation मतलब का वो reduction करेगा, out placement में force reduction करेगा। Market products internationally. इसमें आपको selection करेगा, compensation करेगा, training करेगा। And seek new location for the manufacturing plant. इसमें transfer करेगा, selection करेगा, recruitment करेगा, training करेगा। एंड परस्यू लो कॉस्ट कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, इसमें कंपनसेशन करेगा, लेबर रिलेशन करेगा, ट्रेनिंग करेगा। तो स्ट्रेटजिक डिसीजन आपको दिया हुआ है कि क्या क्या स्ट्रेटजिक डिसीजन होगा और एचआर क्या क्या इम्प्लीमेंट करेगा, ये सारे आपको एचआर में आपको दिया हुआ है। क्या क्या जो है आपको स्ट्रेटजिक डिसीजन होगा, एड न्यू इक्विपमेंट्स होगा, ट्रेनिंग होगा, गो थ्रू एक्विजिशन होगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, आउट प्लेसमेंट होगा, ये आपको दिया हुआ है। इम्प्लीकेशन ऑफ द एचआर प्रोफेशनल, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दूसरा एचआर रोल इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन आपको ये होगा, बिजनेस स्ट्रेटजी है, एचआर स्ट्रेटजी है, दोनों आपको मिक्स करेगा, दोनों मिलकर के एचआर प्रैक्टिसेस बनाएगा, एचआर प्रैक्टिसेस को जो है इफेक्टिवनेस लाएगा, एचआर इफेक्टिवनेस जो है एचआर से आउटकम से एम्प्लॉई से कॉम्पिटेंस से कमिटमेंट से फ्लेक्सिबिलिटी से होगा, एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा। ये आपको लिंक बिटवीन द एचआरएम ऑन द परफॉर्मेंस आपको दिया हुआ है, कंपनी के अंदर जो है क्या क्या आपको लिंक है और क्या क्या जो है एचआरएम का परफॉर्मेंस होगा, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बिजनेस स्ट्रेटजी है वो एचआर स्ट्रेटजी के साथ में मैच करेगा, और वो आपको एचआर प्रैक्टिसेस होगा, एचआर प्रैक्टिसेस को एचआर इफेक्टिवनेस में लाएगा, फिर एचआर आउटकम्स एम्प्लॉई कॉम्पिटेंस कमिटमेंट फ्लेक्सिबिलिटी को लाएगा, ये आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ये आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो ये आपका लिंक बिटवीन एचआरएम एंड परफॉर्मेंस, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लिंक बिटवीन एचआरएम एंड परफॉर्मेंस आपको दिया हुआ है। जो बैरियर्स हैं आपको स्ट्रेटजिक एचआरएम का, ये आपको बैरियर्स हैं, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इनएबिलिटी टू एचआरएम टू थिंक स्ट्रेटजिकली, lack of appreciation of the possible contribution to the HRM, failure to understand role of HR experts, difficulty in measuring HR outcomes, lack of incentive for the change, perception of human assets as high risk investments. These are the barriers of the strategic HRM. Strategic HRM का ये आपको आपको barrier है, short term orientation है,
inability to inability of HRM to think strategically, lack of appreciation of possible contribution of the HRM, failure to understand role of HR experts, difficulty in measuring HR outcome, lack of incentive for change, perception of human assets as a high risk investment, आपको ये दिया हुआ है. और implementation जो होगा आपको HR strategy का architecture, ये आपको HR functions है, HR professional with the strategy competency है, high performance है, strategically aligned policy and practices है, ये आपको HR system है. employee behavior में आपको ये आपको फर्क लाएगा, strategically focused competency करेगा, motivation करेगा and associated behavior करेगा. ये आपको employee behavior में आपको 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 फर्क करेगा. दूसरा HR function है, HR function में जितने भी तरह के जो है आपके functions हैं, the work the HR manager can do, these are known as the HR functions. HR system में आपके company के जितने भी systems हैं, sub systems हैं, strategically aligned है, ये organizational strategy में वो आपको आता है. employee behavior में people जो influence करता है environment को, performance को, organization through the behavior, वो आपको आता है. ये आपको clear, आपको यहाँ पर transforming the HR objective into strategic effect, ये आपको दिया हुआ है. तो इसमें क्लियरली डिफाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी को आप क्लियरली डिफाइन कीजिए. व्हाट इज योर बिजनेस स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर कंपनीज मिशन, व्हाट इज योर कंपनीज ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये आप क्लियरली इसको डिफाइन कीजिए. बिल्ड ए बिजनेस केस फॉर एचआर एज ए स्ट्रेटजिक एसेट, एक जो है बिजनेस केस बनाइए एचआर का एक स्ट्रेटजिक एसेट की तरह में, आप उसको एसेट बनाइए. क्रिएट ए स्ट्रेटजी मैप, एक स्ट्रेटजिक मैप आप क्रिएट कीजिए. लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स आर देयर, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल स्ट्रेटजी मैप्स आर देयर, आप उसको क्लियर कीजिए. आइडेंटिफाई एचआर डिलीवरी विद इन द स्ट्रेटजी मैप, एचआर डिलीवरेबल्स को आइडेंटिफाई कीजिए विद द स्ट्रेटजी मैप, उसमें आइडेंटिफाई कीजिए. अलाइन द एचआर आर्किटेक्चर विद द एचआर डिलीवरेबल, एचआर आर्किटेक्चर को एचआर डिलीवरेबल से आप अलाइन कीजिए. एचआर फंक्शन, एचआर सिस्टम, स्ट्रेटजिक एम्प्लॉय बिहेवियर, ये आप उसको कीजिए. डिजाइन एंड स्ट्रेटजिक मेजरमेंट सिस्टम, ये आप उसको कीजिए. डेवलप एचआर स्कोर कार्ड, लीडिंग लैगिंग कॉस्ट कंट्रोल एंड वैल्यू क्रिएशन मेजर्स, ये मेजर एचआर इंटेंजिबल्स फर्म परफॉर्मेंस रिलेशनशिप. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट बाय द मेजरमेंट, ये आप उसमें कीजिए. एंड रेगुलरली टेस्ट एंड मेजर अगेंस्ट स्ट्रेटजी मैप, स्ट्रेटजी मैप का ये आपको ट्रांसफॉर्मिंग द एचआर आर्किटेक्चर है कि एचआर आर्किटेक्चर का कंपनी में रोल क्या है, आपको इनटू स्ट्रेटजिक एसेट, ये आपको कंप्लीट आपको दिखाया हुआ है. क्लियरली डिफाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी को क्लियरली डिफाइन कीजिए. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मिशन क्या है, ये आपको क्लियरली डिफाइन कीजिए. बिल्ड ए बिजनेस केस फॉर एचआर एज ए स्ट्रेटजिक एसेट, एक जो है बिजनेस केस जो है आप उसको स्ट्रेटजिक एसेट के लिए वो आप डिफाइन कीजिए. क्रिएट ए स्ट्रेटजी मैप, स्ट्रेटजी मैप को डिफाइन कीजिए. लीडिंग एंड लीगिंग इंडिकेटर्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ये आप उसको डिफाइन कीजिए. आइडेंटिफाई एचआर डिलीवरी विद इन द स्ट्रेटजी मैप, एचआर डिलीवरीज को स्ट्रेटजी मैप में आप उसको साइन कीजिए. अलाइन द एचआर आर्किटेक्चर विद द एचआर डिलीवरीज, एचआर स्ट्रक्चर को एचआर डिलीवरी से साइन कीजिए. एचआर फंक्शन, एचआर सिस्टम, स्ट्रेटजिक एम्प्लॉई बिहेवियर, ये आपको इम्पोर्टेंट है. डिजाइन एंड स्ट्रेटजिक मेजरमेंट सिस्टम, उसमें डेवलप एचआर स्कोर कार्ड, लीडिंग लैगिंग कॉस्ट कंट्रोल एंड वैल्यू क्रिएशन मीचर, मीजर एचआर टेंजिबल्स फर्म परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है. इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट, इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट है. उसके बाद रेगुलरली टेस्ट मेजर अगेंस्ट स्ट्रेटजी मैप, रेगुलरली टेस्ट मेजर्स अगेंस्ट स्ट्रेटजी मैप, ये उसको कीजिए. ये आपको ट्रांसफॉर्मिंग द एचआर ऑब्जेक्टिव है. और आप बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है. बोलिए. ये हम लोग जो है स्ट्रेटजिक एचआर मैनेजमेंट में फिर लगा देंगे, दोबारा लगा देंगे. एक बार लगा ली है, दोबारा लगा देंगे अटेंडेंस, है ना? एक बार लगा सर,
हाँ बताइए नितेश की बता दो सर, 123 की लगाई है नितेश, 123 हाँ लग गई है। ठीक है सर, नितेश 123 की लग गई है। ठीक है सर, ठीक है। जो स्ट्रेटजिक एचआर के जो स्टेप्स हैं, ये आपको स्टेप दिए हुए हैं, क्लियरली डिफाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी, गोल्स को, स्ट्रेटजी को फर्म का वो क्लियरली डिफाइन कीजिए, कैन स्टैंड एंड अंडरस्टैंड देयर रोल इन द रियलाइजिंग द गोल्स, ये आप पहले डिफाइन कीजिए, पहले डिफाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी कीजिए, देन बिल्ड ए बिजनेस केस फॉर एचआर इज ए स्ट्रेटजिक एसेट, वंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्लियरिफाइड द एचआर प्रोफेशनल नीड टू बिल्ड ए क्लियर केस for how and why HR can support the strategy, then create a strategy map, step 3, create a strategy map, एक strategic map आप clear कीजिए, a close look at the company's strategic objective is necessary for starting the mapping process, ये आप step 3 में कीजिए, step 4 में identify HR deliverables within the strategy map, HR deliverable को वो clear कीजिए, what are the different two types of performance drivers are there, enablers are there, usko aap clear kijiye, hr managers are primarily responsible for depicting both hr performance driver and enablers, ye aap clear kijiye, align the hr architecture with the hr delivery, hr architecture ko hr delivery se align kijiye, hr system should be structured to provide the hr deliverables that enables a key performance driver, ये आपको करता है। छठा स्टेप है डिजाइन द स्ट्रेटजिक मेजरमेंट सिस्टम, करेक्ट एचआर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ड्राइवर्स एंड इनेबलर्स, ये आप उसको करेक्ट कीजिए, एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग द स्ट्रेटजिक मेजरमेंट, ये आप कीजिए। सातवां स्टेप है इंप्लीमेंट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट, द एचआर डिलीवरीज मस्ट बी रिव्यूड रेगुलरली टू इंश्योर दैट दीज आर स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट, एंड HR scorecard helps the organization to link people. HR scorecard जो है आपको organization को link करता है people का. Here is the main benefits of the आपको main benefits आपको दिखाया गया यहाँ पे. It helps to create value and reduce cost. ये cost को reduce करता है, value को create करता है. It enables HR professional to effectively manage. ये HR professional को effectively manage करता है. Their strategic responsibility को आपको मैनेज करता है, इट इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल, ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल को आपको इम्प्रूव करता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एचआर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन ये आपको करता है, अल्टीमेटली टू द बॉटम लाइन ये आपको करता है, इट एनफोर्सेस द डिफरेंस बिटवीन एचआर डोनेबल्स एंड एचआर डिलीवरीज ये आपको करता है, इट इनेबल्स मैनेजमेंट ऑफ एचआर एज ए स्ट्रेटजिक एसेट ये आपको करता है ना। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, दी आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट गोल मस्ट फैक्टर इन इंडिविजुअल कैरियर ग्रोथ, कॉर्पोरेट गोल मस्ट फैक्टर इन इंडिविजुअल कैरियर ग्रोथ, कॉर्पोरेट गोल को जो है मस्ट उसमें फैक्टर करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपटीशन मस्ट इनकरेज पर्सनल इनोवेशन, पर्सनल इनोवेशन आपको जरूरी है अलाइनमेंट ऑफ द एचआर स्ट्रेटजी में, आपको मस्ट इनकरेज द पर्सनल इनोवेशन, कंपनी प्रॉफिट्स मस्ट लिंक टू द एम्प्लॉई रिवार्ड्स, company profits must link to the employee reward, price driven competition must focus on self directing cost cutting ye aapko karta hai, organization learning must involve employee training ye aapko zarur karta hai, dusra service oriented competition must build individual initiative ye aapko karta hai, job responsibility must facilitate employee development ye aapko karta hai, then the change management must energize inspire the people at all levels, business strategy must consider human resources issues, alliance and joint venture must sensitive people to new culture, ये आपको alignment of the HR objective ये आपको करता है यहाँ पर, तो इसको HR strategy का HR management आपको clear हो गया होगा, strategic HR management आपको क्या है, they are the strategic HR management, फिर से आपको मैं रिवाइज कर देता हूं, स्ट्रेटजी इज ए यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान दैट रिलेट्स द स्ट्रेटजिक एडवांटेज ऑफ द फर्म टू द चैलेंजेज ऑफ द एनवायरनमेंट, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी इज ए यूनिफाइड
कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है दैट रिलेट्स द स्ट्रेटजिक एडवांटेज ऑफ द फर्म, फर्म के स्ट्रेटजिक एडवांटेज को रिलेट करता है टू द चैलेंजेज ऑफ द एनवायरमेंट, ये आपको स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हेंस इट इज डिजाइन दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव थ्रू प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है प्रॉपर आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से मीट करेगा, उसी को स्ट्रेटजिक एचआरएम बोलते हैं, स्ट्रेटजिक एचआरएम। स्ट्रेटजी जो कंपनी का गोल है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उसको इंटीग्रेटेड प्लान की थ्रू जो है फुलफिल करना है, वो आपको स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। तो तीन तरह के स्ट्रेटजी होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड द फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी में आपको मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, ये सारे का इंटीग्रेशन होगा फंक्शनल स्ट्रेटजी में। फंक्शनल स्ट्रेटजी आपको थर्ड लेवल में है, आपको मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी क्या है कंपनी का वो आपको डिसाइड करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कंपनी का वो आपको डिसाइड करना है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी क्या है कंपनी का वो आपको डिसाइड करना है, फाइनेंस स्ट्रेटजी क्या है कंपनी का वो आपको डिसाइड करना है। ये चारों मिलकर के फंक्शनल स्ट्रेटजी में आता है। फंक्शनल स्ट्रेटजी के बाद जो है आपको ये बिजनेस स्ट्रेटजी में आता है, और बिजनेस स्ट्रेटजी कई बिजनेस स्ट्रेटजी मिलकर के आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को बनाता है। मिक्स ऑफ द बिजनेसेस द फर्म विल इंगेज, इट विल मेक द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। मिक्स ऑफ द बिजनेसेस, वन बिजनेस, टू बिजनेस, थ्री बिजनेस, अनेक टाइप का बिजनेस को मिला करके आपको उसमें जो आपको मिक्स ऑफ द बिजनेसेस बनता है यो आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होता है। और हाउ ईच फर्म्स बिजनेस विल कम्पीट इन द मार्केट, दिस इज नाउन एज द बिजनेस स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी में आपको हर एक फंक्शन जो कंपनी में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का होता है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी का होता है, फाइनेंस स्ट्रेटजी का होता है। हाँ बोलिए सर, अटेंडेंस लगा दो सर। हाँ एक बार तो लगा दिया, फिर लगा देंगे, अभी थोड़ी देर में लगा देंगे, दो तीन मिनट में फिर दोबारा लगा देंगे, एक बार ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो मार्केट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी और फाइनेंस स्ट्रेटजी, ये चारों मिलकर के आपको फंक्शनल स्ट्रेटजी कंपनी का डिसाइड करता है। व्हाट आर द फंक्शनल स्ट्रेटजी इन द कंपनी, और फंक्शनल स्ट्रेटजी आपको डिसाइड होने के बाद कैसे जो है फर्म्स बिजनेस कंप्लीट करेगा वो आपको बिजनेस स्ट्रेटजी में आता है। और कई बिजनेस स्ट्रेटजी, मिक्स ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी मिलकर के कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आपको बनता है। ये आपको थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजी है, और यहाँ पर 10 बड़े कंपनियों का दिखाया गया है, और उसमें स्टाफ का कॉस्ट आपको दिखाया गया है रुपीज करोड़ में। 10 बड़े कंपनियों के नाम दिखाए गए, 10 बड़े कंपनियों के नाम दिखाए गए हैं इंडिया के, और उसके स्टाफ कॉस्ट रुपीज करोड़ में आपको दिखाया गया है। SBI, सेल, इंफोसिस तीसरी नंबर बड़ी कंपनी है, भेल, PNB, MTNL, टाटा स्टील, सत्यम, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे कंफर्म कर लो। अटेंडेंस तो मैं ले लिया, अभी फिर दोबारा ले लेता हूँ, अब दो तीन मिनट में फिर दोबारा ले लेते हैं। तो ले लो सर, अभी ले लो, मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। निखिल 122, 146 सन्नी, आकाश गुज्जर, 104 अर्जुन देव, 106 अतुल दीक्षित, 110 दीपक फ्रांसू, 112 गौरव गुप्ता, 113 गुरदीप रावत, 114
कुंदन कुमार 163, निखिल 122, नितेश 123, पवन 127, पूरक नागपाल 133, शुभम सिंह 143, विशाल 148, योगेश 167, अनुराग 161, भरत शर्मा 107, फैजान हाशमी 1111, हिमांशु 117, मुकुल 121, शुभम 142, ये सभी का अटेंडेंस बन गया है। मैं नाम फिर से दोबारा बोल देता हूं, शुभम 142, मुकुल 121, हिमांशु 117, फैजान 1111, भरत शर्मा 107, अनुराग 161, योगेश 167, विशाल 148, शुभम सिंह 143, पूरक नागपाल 133, नितेश 123, निखिल 122, कुंदन 163, गुरदीप रावत 1114, गौरव गुप्ता 1113, फ्रांसु 112, दीपक 110, अतुल दीक्षित 106, अर्जुन देव 104, आकाश गुज्जर 102, 146 सन्नी। ये 21 पार्टिसिपेंट हैं, 21 पार्टिसिपेंट्स का मैंने नाम आपको बता दिया। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो इसके प्रोसेस हैं, यही प्रोसेस हैं। पहले कंपनी का विजन डिसाइड कीजिए, कंपनी का मिशन डिसाइड कीजिए, कंपनी का पर्पस डिसाइड कीजिए। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। कंपनी का मिशन को डिफाइन कीजिए, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, वो आप डिफाइन कीजिए। देन आइडेंटिफाई द कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ, कंपनी का इंटरनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए। इसको SWOT एनालिसिस बोलते हैं। कंपनी का SWOT एनालिसिस निकालिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये आप निकालिए। स्टेप थर्ड में अपॉर्चुनिटी को डिसाइड कीजिए, थ्रेट्स को डिसाइड कीजिए, क्या क्या थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, कैसे कंपनी को हानि हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इसको डिसाइड कीजिए। देन फोर में स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कीजिए विथ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेटजी को आप जो है जो जो स्ट्रेंथ हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए और क्या क्या वीकनेसेस हैं वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव अपॉर्चुनिटीज आर देयर वो आइडेंटिफाई कीजिए। व्हाट आर द थ्रेट्स आर देयर वो आप आइडेंटिफाई कीजिए और फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, और कंपनी का स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कीजिए। देन इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, फिर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कीजिए। देन इवोल्यूशन एंड कंट्रोल कीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, ये आप जो है कंट्रोल कीजिए। ये आपको स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। आपको कंपैरिजन यहां पर दिखाया हुआ है, ट्रेडिशनल एचआरएम, स्ट्रेटजिक एचआरएम, ये आपको दिखाया हुआ है। फोकस किस पे रहता है, इसमें आपको एक्टिविटीज में फोकस रहता है, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या पर्सन के काम करने हैं, उस पर फोकस रहता है। स्ट्रेटजी के चारे में आपको रिजल्ट में फोकस रहता है कि रिजल्ट अचीव हुआ नहीं हुआ, आपका उस पर फोकस रहता है कि रिजल्ट कैसे अचीव हो, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो, गोल कैसे अचीव हो, मिशन कैसे अचीव हो, ये उस पर फोकस रहता है। अप्रोच इसमें रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव अप्रोच है, इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहले से ही डिसाइडेड अप्रोच है, प्री प्लान्ड अप्रोच है, ये इसमें स्ट्रेटजी के चारे में। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपको एचआर स्पेशलिस्ट को आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, इसमें लाइन मैनेजर और एचआर स्पेशलिस्ट दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है ना। इसमें पीपल को डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, इसमें डेवलपमेंट ऑफ बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों में आपको पीपल और ऑर्गेनाइजेशन
इन लाइन विद द बिजनेस गोल्स, ये उसमें किया जाता है। दूसरा, मैनेजिंग पीपल टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज, पीपल को फैसिलिटेट करना जाता है, एक्टिविटी की किया जाता है। देन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एचआर स्ट्रेटजी, इसमें आपको एचआर स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन किया जाता है, एचआर स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इन अलायंस विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्मुलेशन किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है एचआर स्ट्रेटजी का। इसमें आपको स्ट्रेटजिक एचआरएम में आपको यही आता है। और दूसरा, रोल ऑफ एचआरएम, इसमें एचआर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस होता है, इसमें स्ट्रेटजिक बिजनेस पार्टनरशिप आपको ये करता है। तो ये आपका डिफरेंस है। और रोल ऑफ द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको ये आपको स्ट्रेटजिक डिसीजन आपको दे रहा है, रोल आपको बता रहा है। व्हाट आर द स्ट्रेटजिक डिसीजंस, स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या है, एड न्यू टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो भी आपको नई नई मशीनें आपको वर्ल्ड में अवेलेबल है सारी मशीनों को आप ले आइए, सारे न्यू टाइप ऑफ द इक्विपमेंट फॉर द प्लांट आप ले आइए, एड कीजिए। देन इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीकेशन ऑफ एचआर मैनेजमेंट में सारे वर्कर को ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेन कीजिए, और जो है आपको एचआर का काम है सभी वर्कर को ट्रेनिंग देना। ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन, आप उसको एक्विजन एक्वायर कीजिए, मोर जो है प्रोडक्ट को एक्वायर कीजिए, मोर जो है आप मशीनरी को एक्वायर कीजिए, ये तो उसमें जो है आपको एचआर का काम होगा, सिलेक्शन का है ना, सिलेक्शन फ्रॉम द एक्वायर्ड फर्म, ट्रेनिंग कीजिए, कंपनसेशन कीजिए, आउट प्लेसमेंट कीजिए, ये सारा काम जो है आप कीजिए। टेक ऑन एडिशनल इनडेप्थनेस टू प्रिवेंट टेक ओवर, ये आप कीजिए, उसमें आपको कंपनसेशन एंड आउट प्लेसमेंट आप कीजिए, है ना। टेक ऑन एडिशनल इनडेप्थनेस टू द प्रिवेंट टेक ओवर, ये आप कीजिए। देन मार्केट प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली, ये आप कीजिए, सिलेक्शन कंपनसेशन एंड ट्रेनिंग ये आप कीजिए, मार्केट प्रोडक्ट इंटरनेशनली आप कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, कंपनसेशन कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। सीक न्यू लोकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नया लोकेशन बनाइए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, ये आपको स्ट्रेटजिक डिसीजन है। प्लांट को आगे बढ़ाइए, एक्वायर कीजिए, न्यू प्लांट को एक्वायर कीजिए, है ना, मार्केट प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बनाइए, है ना। तो न्यू लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डिसाइड कीजिए, उसमें जो है जो भी ट्रांसफर करने हैं आपको, सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेनिंग करना है, उसको आप कीजिए। न्यू लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिसाइड कीजिए, स्ट्रेटजिक, ये स्ट्रेटजिक डिसीजन है। तो स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या क्या है, आप न्यू टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट जो भी वर्ल्ड में अवेलेबल है, ऑटोमेटिक मशीनें हैं, सारी मशीनें ले आइए, और एचआर का काम है उस मशीनों पर सभी को ट्रेनिंग देना। ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन, आप दूसरा प्लांट भी एक्वायर कीजिए, सिलेक्शन ट्रेनिंग कंपनसेशन आउट प्लेसमेंट कीजिए। टेक ऑन एडिशनल डेप्थनेस टू प्रिवेंट द टेक ओवर, आप कंपनसेशन कीजिए, आउट प्लेसमेंट कीजिए, मार्केट प्रोडक्ट इंटरनेशनल बनाइए, जो आपका प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल बनाइए, ये स्ट्रेटजिक डिसीजन है। जो प्रोडक्ट है आप उसको इंटरनेशनल बनाइए, जिससे कि आप मार्केट जो है इंटरनेशनली पकड़ सकें, इंटरनेशनल बनाइए। वो उसके लिए एचआर क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, कंपनसेशन करेगा, ट्रेनिंग करेगा। न्यू लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो आप डिसाइड कीजिए, न्यू लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो आपको डिसाइड कीजिए। उसके लिए ट्रांसफर करेगा, सिलेक्शन करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, ट्रेनिंग करेगा, है ना। लो कॉस्ट कंपटीटिव स्ट्रेटजी, उसको आप डिफाइन कीजिए, कंपनसेशन, लेबर रिलेशन एंड ट्रेनिंग, ये आप उसको डिफाइन कीजिए। तो आप स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या क्या है वो आप उसको पकड़िए, है ना, ये स्ट्रेटजिक डिसीजन है कंपनी का। न्यू लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठाना है,